और छोरो की हाल। तो हेलो नेबर 2 का डेमो वर्जन आउट हो चुका है, जिसको आज के एपिसोड में अपन ट्राई करने वाले हैं। वेल, मैंने हेलो नेबर 2 अल्फा खेला हुआ है एंड मेरे को वो सही लगा था, तो इसलिए आज अपन इसको भी ट्राई करने वाले हैं। एंड वेल, इसके डिस्क्रिप्शन में लिख रहा था कि ये इन लोगों ने इस गेम को कतई ही चेंज कर दिया है। जो तुम लोगों ने भैया अल्फा वर्जन में और बीटा वर्जन में खेला था, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट। वेल, वैसे मैं ज्यादातर इसको खेला नहीं है, तो मैं चेंजेस के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। तुम लोगों को पता हो तो तुम देख लेना। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं न्यू गेम, बिकॉज अभी अभी डाउनलोड किया है और न्यू ही गेम कर सकते हैं, राइट? यस, ओके। तो देखो, ओह व्हाट, ओह यार, एक तो ये लिटरली मोशन सिकनेस के मरीजों को मत दिया करो ऐसे गेम यार। ओके, WCR4TV, बेरन ग्रुप्स, आई डोंट नो क्या है। तो मुझे करना क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे यो तो बताओ। हैं, ढूंढते हैं, मिलेगा कचुना कचू तो काम की चीजें मिलेगी, है ना? पहले गड्डी चेक कर मारो। अरे मेरे को लगे किसी ने भैया इस झोपड़पट्टी में गड्डी दे मारी। वाह, पता नहीं काउंटर भी बंदा होगा। डोंट टेल मी कि वो मैं ही हूँ, मतलब कट सीन वगैरह दिखाया नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। ये क्या है? ओह, इसके लिए क्रोवर चाहिए, शानदार। अब ये क्रोवा, मैं सोचा मैं इसके ऊपर कूदूंगा, देन उसके ऊपर से बाहर। नेवर माइंड, आओ। वाओ, ऐसे खोलना था। मैं पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस लगाने वाला था उसमें अभी। ये क्रोवार है, आहा, नाइस। ओके, नाइस। मुझे इसका क्या करना, एक मिनट। अच्छा, तो अपने को इससे बाहर निकलना है, एस्केप करना है, और अपने को एक्चुअली एक दो दो चाहिए उसके लिए, है ना? दो कलर के और, यानी एक ये पिंक वाला एंड एक ये रेड वाला। ओके, अंडरस्टूड। इसके लिए अपने को की चाहिए। ओके, नाइस। मैं सोचा भगवान जाने की कहाँ ढूंढनी पड़ेगी, बट नाइस, रेड वाला भी मिल गया। अब जरूरत है अपने को जस्ट एक पर्पल वाले की, पिंक वाले की, वाट एवर जो भी कलर है वो उसकी है ना। सही है, सही है, चलते रहो चलते रहो, बहुत इजी जा रहा है अभी तक तो। अपन को कोई दिक्कत नहीं आई खासी दिक्कत, ठीक है। इसको खोलो, कंट्रोल से क्राउच करो एक्चुअली, और देन आगे जाओ। इजी वन एक्चुअली, स्पेस से जंप। मैं बाई ही तो कर रहा हूँ यार, करने तो दो। ओके, मेरे पास क्रोवार है, मेरे को ज़्यादा कलेस नहीं है, अपने को ऊपर जाना है। इजी है, मतलब उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। एंड वेल, एक्चुअली मेरे को जो गेम इजी होते हैं ना, वो खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है कंपेयर टू हार्ड वाले। मेरे को हार्ड गेम पसंद नहीं है, मेरे को कतई नहीं है। अब कहाँ मरूँ जाकर? अच्छा, पार्कोर तो नहीं खेलना मेरे को, लाइक यू एंड अच्छा अच्छा, दैट्स इट। ओके, ये रहा, नीला बता रहा है यहाँ पे, बट नीचे पर्पल आई गेस दो होंगे, कोई दूसरा होगा, ये छोड़ो सानू की, ठीक है। ऑल राइट, ये कूदते फांदते में आ गया, एंड 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 हियर इट इज। यही लगेगा ना भाई साहब, भाई सब कुछ जानता है। तुम भाई के ऊपर आंख मूंद कर बिलीव कर सकते हो, भाई सब कुछ जानता है, ठीक है। ऑल राइट, हियर वी आर, ओपन द गेट। एंड ये किस तरह की साइकोलॉजिकल दुनिया में आ गया मैं भाई? हेलो, ऊपर अजीब से परिंदे उड़ रहे हैं, तोता, मैना, आई डोंट नो व्हाट, एंड यहाँ पर वियर्ड। ओके, एंड मुझे जाना कहाँ है भाई? दबे मेरा उद्देश्य क्या है इस गेम के अंदर? जहां तक मुझे लग रहा है ये डेमो वर्जन है, तो मैं इधर जा नहीं सकता। चलो छोड़ो, नेवर माइंड, मैं सामने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक वही एक लौता घर दिख रहा है यहाँ पर। उसके अलावा मेरे को यहाँ दूर दूर तक कछु भी नहीं दिख रहा, ना कोई भूत पिशाच परिंदा, कछु ही नहीं। तो ओके, मैं भूल गया था एक सेकंड के लिए कि मैं भैया हेलो नेवर 2 खेल रहा हूँ। एंड बाय द वे, मैं इसके घर में क्यों जा रहा हूँ? हैं, व्हाई?
ओ साला इतना बड़ा खरगोश, अबे तेरी जात का फूफा भोबो, व्हाट द हेक। ओए अंकल नशे में है क्या, इतनी सारी ताली। भाई इसी के अंदर 100% का चूना चुका हूँ किसी के पास। ठीक है मेरे को ताले ढूंढने, राइट। ये लॉक है पर ये खुल जाएगा। ओ ओ मैं इसको देख के डर गया और साले ने सेम में पकड़ लिया। ओ भाई क्या डाई है भैया, कतई साले कतई छाती पे आ गया भाई, शर्म कर ले यार। हांड लें दे थोड़ा तेरे घर को, ढूंढ लें दे थोड़ा बहुत। या मैं नहीं जा सकता, ये डेमो वर्जन है, इस वजह से जब ये पूरा गेम आएगा देन अपन आएंगे उधर जा पाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर, मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है कहाँ भाई, यार छोड़ देना अंकल, देख लें दे हांड लें दे घर में यार तेरी। अंकल तूने कतई हद नहीं कर दी यार, है जी ना आराम कर रखा है तूने मासूम से बच्चे का, ये ले क्रोवार मेरी तरफ से ना। वही मैं वीट, ये क्या है, आओ ये क्या चोर चीज है भैया है। अंकल पिछवाड़े पे जाने क्या ही लटका के डोल रहा था। हाय अंकल व्हाट्सअप, ये ले साड़े। ओ यार ये साला आगे से ना जान देगा, इनमें इसके घर में पीछे भी तो रास्ता होता है ना। हाँ वेल अपन वहां से भी जा सकते हैं वैसे, अगर किसी को कोई अर्ज ना हो तो। ये पीछे का ही रास्ता है मेरे हिसाब से, यहाँ पर एक शवल लग रहा है बहुत अच्छी है और इसको अपन खोल सकते नहीं। व्हाट द हेक, ये क्या बात हुई यार, ये खोल ही नहीं सकते तो दे क्यों रखा है, एंड शवल का मैं क्या करूँ। सही है रख लेते हैं, रखने में तो क्या ही जा रहा है। भाई तो भाई चोरी के पास इन्वेंट्री कहाँ इतनी बढ़िया है, जगह जगह पर धरे जा रहा है। ओ हाय मासूम सी किल बिल्ली, ओ मैं चाह क्या रहा हूँ मेरी जिंदगी के साथ, मुझे बताएगा कोई हैं? इस बिल्ली के साथ क्या करना है मुझे, खोपड़ी तोड़ दूँ इसकी। आह छोड़ो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, लीव इट है ना। यहाँ से चलते हैं, यहाँ अंकल नहीं होगा, एंड यहाँ पर एक स्टैचू है अंकल का, भैरंड नाइस। एंड अब मुझे क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर वो ससुरा आ गया तो मेरे को फिर से पकड़ के फेंक देगा। ठीक है एंड इसके घर में मुझे कुछ मिल नहीं रहा। आ गया भाई, अंकल मान जा यार, हैं क्या दुख है तेरी जिंदगी में मुझे बता तू। हम उसे सॉल्व करेंगे सर, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्चुअली। ठीक है खांसता डोल रहा है ससुर, कोविड हो रहा है तेरे को मैं बता रहा हूँ। ठीक है ये ले तेरे मुंह पे दरवाजा बंद। हाँ मजा आया। वेल मेरे हिसाब से अब वो बुड्ढा जा चुका है, एंड यहाँ पर ओए यहाँ पर आप लोगों को छू लगा शेटा बस करती। नहीं बे यार हट, तेरी ऐसी की तैसी हट जा, नहीं आ रहा मैं तेरा हाथ। यार मुझे लगता है ना ये अंकल को छुपा रहा है वहाँ पे, ठीक है एंड अपने को वहाँ पर कुछ लगाना है बट क्या ये मुझे नहीं पता, पर इतना मैं कन्फर्म हूँ वहाँ पर अपने को जो भी लगाना है एक ब्लू कलर का एंड एक ग्रीन कलर का। एंड साले रास्ता बंद कहाँ जाएगा उधर तू है। चलो फाइनली बुड्ढा गया तो सही, यहाँ से अब अपन आराम से यहाँ घुस सकते हैं और इनकी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि वो पीछे से आ ना जाए, और अब मैं आराम से देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मेरे को नीड हो, मतलब आई नीड कैंची, देन अपन इसको खोल पाएंगे। ठीक है तो अपने को पहला अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, अपने को कैंची ढूंढनी है। ठीक है अब कैंची कहाँ मिलेगी, वेल आई लिटरली हैव नो आइडिया। ठीक है आओ पिक कर लेते हैं। अरे शिट, ओ अंकल रहते हैं यार, ओ मैं लग गई, ओ ये घंटी भी मेरे पास बजनी थी क्या यार। हेलो भाई मैं कसम से बता रहा हूँ ये अंकल बड़ा आरामी है, ठीक है लिटरली इस तरह की हरकतें कर रहा है मेरे नाल जैसे मतलब क्या बताऊं यार। खैर छोड़ो सही है अपन आराम से अपनी तहकीकात कर लेते हैं, मेरे को एक्चुअली इस वाले रूम की तहकीकात करनी है ढंग से। ठीक है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जो भी मिलेगा अपने को यही मिलेगा। बच्चिया ओ भाई साहब कितने सारे मिसिंग पोस्टर मैंने अभी अभी नोटिस किया, अंकल साइको ससुरा मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है ओ ओ ओ आ ओके इसका क्या बट, आइयो मत अंकल आ गया भाई। यार ये बंदा लिटरली मैं क्या बोलूँ, मेरे को इरिटेट और कर रहा है अब ये। चला जाए अंकल
साले वहां जा रहा हूँ तो वहां आ जा रहा है, यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ आ जा रहा है। है बिल्ली, कैसा मालिक है तेरा ये चर्च रेडी सा है? ए वेट एक मिनट, ओ इस बिल्ली के पास कुछ है या नीचे? एंड ये अपने को देगी नहीं है ना? ओके भाई, एक बार बिल्ली की आंखें देखिए तुम लोग। ऐसा नहीं लग रहा मालिक और इसने मिलके दोनों एक साथ माल पी लिया। अच्छा मुझे लग रहा है ना इसके अंदर कुछ डालना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे निशान भी आ रहा है और बिल्ली को अगर अपन दूध देंगे तो वो हटेगी देना पर। ओ हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एंड ये फ्रिज है, वाओ वाओ भाई साहब मेरी आंखों के सामने था और मैंने लिटरली बेवकूफ हूँ यार कतई। जब दफा और खाई सर मर जा जाके कहीं पे, मैं बता रहा हूँ भैया ये बिल्ली साइको सी लग रही है मेरे को तो। ठीक है ओके वट एवर जो भी हो सानू की। ठीक है अपने को एक जगह थी वहां पर ये लगाना था, मेरे को पता है दो पीसेस आ रहे जाना है भाई सब कछु। ये कंफर्म नहीं है यहाँ लगाना था या फिर यहाँ लगाना था। हाँ यहाँ लगाना है आपका, अब आप क्लियर हुआ है। ओके तो यार अंकल छोड़ देना यार, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मुझे बता तो सही तू एटलीस्ट। हद्दी कर रखी है कहते यार। वेल यहाँ पर कछु रखने का मार्क आ रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों हो ना हो ऐसा लग रहा है कि अपने को ये अंकल का जो स्टैचू है ना ये यहाँ पर रखना है। आई डोंट नो व्हाई बट देख अंकल तेरा घर सजा दिया साढ़े तीन को तेरा। भाई अंकल तू यार मतलब कती हद कर रहा है यार आजकल। वेल यहाँ क्या चल रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है बट मेरे को ऐसा लग रहा है ना अपने को इस रूम के ना 100% कछु करना है, क्योंकि एक तो ये दरवाजा बंद कर रहा हूँ तो ये बंद नहीं हो रहा बिकॉज इधर वो चूहा सा अटक रहा है। ठीक है एंड अगर मैं उसे हटाने जाऊँ तो अब वो आएगा। ओके एंड मैं इसके अंदर दुब जाऊँगा, मैं इसके अंदर छुप जाऊँगा। ठीक है एंड वो किसी भी पल यहाँ पर आ सकता है आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि आवाज़ हुई है भाई बहरा तो है ना वो हल्की सी आवाज़ से तो पीछे पड़ ले मेरे। ठीक है तो सर आ रहे हो आप या मैं बाहर आ जाऊं? हाँ वो अब आएगा बट अंकल ओए मार मुर तो नहीं गया बुड्ढा हैं? ओ ये रहा, ओ फाइनली ही सो मी। हाय अंकल हियर आई एम, पकड़ ले आजा शिट आजा। ऑलराइट अंदर लाना था मेरे को उसको। ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा है ना अपन ने पानी चलाया तो वो नहाएगा आई गेस या फिर कुछ तो होगा। आ क्यों नहीं रहा बुड्ढा तेरी जात का साले भाई साहब यार बाहर ही खड़ा है वो। कम ऑन व्हाट क्या करूं मैं? चला जा यार चला जा प्लीज। ये भगवान क्या करूं अब मैं? ओए ओ ओ डोंट टेल ओए व्हाट ये पजल वजल टाइप की मैं कह रहा हूं तुम लोगों से। ठीक है ओके ये पजल है किसी तरह की, बस अब इसको फिक्स कैसे करना है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा इस रूम का क्या सीन है और क्या नहीं है, उल्टा पुल्टा रूम है ये। ठीक है एंड अंकल पकड़ेगा मुझे पता था मुझे। भैया मैं कसम से बता रहा हूँ अंकल तूने इतना इरिटेट कर दिया ना मेरे को मैं वेट वही यहाँ पर भी निशान आ रहा है। ओ वो जो पेंटिंग अपन ने वहां पर सीधी की थी उसकी तरह ये भी ओ और ये बेवकूफ अभी भी वहीं पे खड़ा है। शेट अब मैं अंदर भी नहीं जा सकता है ना। ओ थैंक यू सो मच, मैंने सोचा तो बाबड़ा हो चुका है ना शेडी हो चुका है बट थैंक यू तू ना शेडी नहीं हुआ है। ओके नेवर माइंड। ओके तो आई गेस मेरे को इसी तरह से इस घर में या ये गेम मेरे लैपटॉप के लिए बहुत ही हैवी है। ठीक है अच्छा मैं समझ गया इस अंकल ने जगह जगह पर घर पर इस तरह की पेंटिंग्स लगा रखी है तो मुझे उनको सीधा साला पागल है किसके ही? अंकल घर के बाहर आने में तेरे को कोई दिक्कत है क्या ये बता मेरे को हैं? आई गेस होगी। ओके वॉट एवर जो भी हो अपने को ये फिक्स करनी है। ठीक है ये मैंने भाई साहब लिटरली यार क्या लो कैसे
देखो मैंने, ओ ये सीधी है अभी भी, मतलब हो गया मेरा काम शायद से, है ना। ओ यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज था, व्हाट द हेक। एक क्रोबार उठा लो, एक चाबी, आओ फाइनली वी गेट इट। या तो अपना काम बन गया, अपन इसको खोल सकते हैं। वी डिड इट, यस वी डिड इट। व्हाट द हेक, मुझे और तीन चाहिए अभी यार। भैया मैं बता रहा हूँ, ये अंकल मेरे को ना इरिटेट कर रहा है, ठीक है। भालू के मुंह में चाबी है जिसके बारे में मुझे कोई पता नहीं, यहाँ पर एक सेफ है जिसके बारे में, जिसका पासवर्ड कहाँ है ऊपर वाला जाने। ओ भाई मैंने मजाक में कहा ऊपर वाला जाने, और सही में ऊपर ही कोड लिख रहा है। वाह, तो कोड क्या होगा? वेट, रेड ब्लू ग्रीन एंड देन येलो, यानी कि तीन पाँच, तीन सात नौ पाँच। ओके लेट्स ट्राई, तीन तीन सात नौ पाँच। ओ भाई मेरे को इतना गर्व हो रहा है ना खुद पे, मैं लिटरली क्या बताऊँ, आई एम सो जीनियस। एक्चुअली ठीक है, आई एम सो जीनियस। वाओ, वेरी कैंची, हाँ बार बार इन्वेंट्री में से कैंची और निकालो यार, ये भी कलेश है। या सही है, सबको काट दूंगा। एंड इतनी तकिया काट दी, बट मेरे ओए यप इधर कुछ है, यस इधर डेफिनेटली कुछ है, ठीक है। ओए आई नो कि इसका क्या सीन है, ये नक्शे का आखिरी पीस है जो यहाँ लगेगा। अरे वाह तुम्हारा भाई कितना ब्रिलियंट है भाई, यस तुम्हारा भाई वेरी वेरी ब्रिलियंट, ठीक है। ए वेट यहाँ कुछ है, ओ ओ यहाँ पर वो लगेगा, वो अंकल के पास है जो वो स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा, पर वो कहाँ है और इसका क्या यूज है मुझे नहीं पता, बट यार अंकल तेरे पास वो था ना मेरे काम की चीज़ है, अंकल वो कहाँ है वो। वेल भैया मेरे हिसाब से मेरा गेम क्रैश हो गया था या फिर कुछ और हो गया था, क्योंकि मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं है, मेरे को अंकल के पास से वो मिल नहीं रहा था जो चाहिए था, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने गेम दोबारा से स्टार्ट किया है। ये ले गिफ्ट फ्रॉम एटॉमिक्स बॉय, तो घूम एक बार क्योंकि मेरे को ये चाहिए। ओए ये तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ अंकल, यू आर बेबकू, यू नो यू आर एक्चुअली, लीव इट अंकल, लीव इट, नेवर माइंड। ओके कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन आराम, ठीक है। साला बहन का भैया जाने का नाटक कर रहा था, अंडरस्टैंड। ओके चलो ठीक है, मत दे नहीं चाहिए मेरे को, हाँ मैं बाद में ले लूँगा, वैसे भी अभी उसकी नीड भी नहीं है। अभी पहले आपने को ये पजल फिक्स करनी है, टेन एक चाबी मिलेगी, टेन उसको लगाना पड़ेगा। इनवर्ट, ये ऐसे नहीं होता ना, बहुत अच्छी आवाज़ कर दी, बहुत ही अच्छी। अब वो आएगा और मेरे को पकड़ के खाएगा, शानदार, सही है सही है, बहुत सही है। ये भी लगा दो, एंड देन बाहर वाला, और मेरे हिसाब से तब भी काम नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, है ना। लगा तो दिया मैंने, ठीक है। साले पकड़ तू पहले ले बे, हराम ज्यादा, और यहीं पे बैठा। ओ यस काम बन गया अपना, वो हो गया तुम देख सकते हो, ठीक है। ओके छोड़ो, उसके सामने से निकल लूंगा, अंधा तो है ये वो, या ही इज प्रोबेबली एक्चुअली, ठीक है। ओके अपने को चाहिए ये चाबी, देन ये जिसका काम क्या है आई डोंट नो, और वो यहाँ नहीं आता मेरे हिसाब से, हाँ होगा कोई सीन, मुझे क्या करना है, ठीक है। अपने को गेट खोलना है, चाबी वगैरह सब अपने पास यही है। शिट यार क्यों, ओके नीड थ्री मोर कीज़ है ना, ठीक है। इधर आ तू आ पहले मेरे पास, कहाँ जाऊँ मैं, ये ले खोपड़ी फोड़ दूँ साले, चले जाए ऐसे। ओके तो इसके बाद मेरे को बिल्ली को खाना खिलाना है, बट उससे पहले मेरे को अंकल से ये लेना पड़ेगा जो ये देगा नहीं मेरे को, तू नहीं देगा तो क्या हुआ, ले लूँगा मैं तो फिर भी नालायक अंकल। ओके तो अब हमने को जाना है वापस से अंदर, और जाकर अपने वो एक दरवाज़ा सा है ना, मतलब वो कुछ दिखा था मेरे को जहाँ पर ये यूज़ होगा, ठीक है पहले दिखा था, तो
वहीं चलते हैं और इसको यूज करके देखते हैं कि क्या मिलेगा अपने को। अंकल मैं कसम से बता रहा हूँ तू इतना पापी। अबे यार इसको पता कैसे चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? हैं, शक्तियाँ हैं तेरे पास? दिव्य शक्तियाँ? वाह बुटाओ। ओके कम हियर, कम ओके थैंक यू सो मच। एंड ये वो ओके मच बेटर, सही है। खोलो इसे एंड क्राउच, ठीक है। मैं गुड्डे के लिए आया था इतनी दूर, व्हाट द यार क्या हो रहा है जिंदगी में मेरे यहाँ। अरे मैं समझ गया। देख सकते हो तुम ये गुड्डा अंकल का वहां रखा है, ये गुड्डा मेरे पास है, यानी अपने उस घर पे दो गुड्डे लगाने थे ना कि एक, तभी मैं कहूंगा जो होया कैसे नहीं। ओके टेक इट हियर, ओके टेक दिस हियर, आ जा ना। ओके दो लग गए, इनवर्ट मेरे को एक और चाहिए। कम ऑन, अब एक गुड्डा कहाँ से ढूंढूंगा मैं यार। छोड़ो पहले उस बिल्ली को खाना खिला देते हैं ताकि अपन आराम से उससे वो नक्शा ले सके, ठीक है? या अब दे दे साली, मार दूंगा जान से, बेवकूफ वाली हरकत ना कर मेरे सामने, ठीक है? ओए वेट इनवर्ट, मेरे को एक मिनट वहां पे कुछ दिखा अभी अभी। इनवर्ट वेट 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 वेट, मेरे को दोबारा जान दो, ठीक है? तुम्हें अभी अभी का सीन पता है? ओए मैं समझ गया, अपने वो एक वो गत्ते का वो मिला था ना हाथ से जिसमें तलवार थी, या प्रोबेबली अपने वो यहाँ लानी है। लेट मी जस्ट कंफर्म दिस दिस वन एंड लेट्स गो, ट्राई कर लेते हैं एक बार। अंकल तेरी तो ऐसे की तीन तैसे, ठीक है? ओके नाउ व्हाट, नाउ व्हाट? अरे अपने भाई किसी उसकी जैसे जमाना है जैसा उसमें जम रहा था ऐसे, ठीक है समझ गया। हाथ में तलवार ऊपर, यार ये भी तो सारा चैन से नहीं बैठ रहा ना। अच्छा यहाँ कुछ है इस जगह पर अपने उस घर के पीछे, ओ ट्रेजर। ओके अपना, अरे जहां से अपने स्टार्ट किया था किसी वो जगह है, ठीक है? एक काम करते हैं अपनी वो सबल वगैरह जो भी है उसको साथ में लेके चलते हैं और उस जगह पर एक बार छानबीन करके आते हैं कि कुछ है भी या फिर मतलब लेके चल लो, ठीक है? मिल गया ठीक है, नहीं मिला आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। तो अपने को जाना है इसके पीछे, राइट यहाँ पे, एंड यहाँ पे ओ वाओ सही है एक गुड़िया। अरे ये गुड़िया उस घर के ऊपर लगेगी जो घर तुम्हें तुमने देखा होगा ना, याद है ना? या वो वाला ही घर, बिल्कुल। ओके तो इसको लगा देना है यहाँ पर एंड यहाँ से मिलेगी अपने को चाबी। एंड अंकल आ गया साले, अगर चाबी खो गई ना मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ठीक है? यहाँ से उठा लो चाबी एंड यहाँ जाओ और ये लो तेरे मुंह के सामने साले, दरवाजा खोला है मैंने तेरे मुंह के सामने, ठीक है? यस इसी को कहते हैं गुंडागर्दी, या इसी को कहते हैं गुंडागर्दी, ठीक है? अब बारी है कि इनवर्ट वो पीछे आ रहा है मेरे, यस वो आ रहा है। ओह थैंक यू सो मच, वो गया। ओके तो ये हाथ ऐसे ही रहेगा एंड ओ बाई, ये क्या है? इनवर्ट डोंट टेल मी, ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। आ भाई साहब, ओके ये हमको दे दे ब्रदर, थैंक यू सो मच भाई साहब। मतलब इजी है गेम, ठीक है? वो तो बस मैं ही हार्ड बना रहा था एंड अब इसकी तीसरी चाबी, चौथी चाबी, जो भी चाबी वो कहाँ मिलेगी? अंकल ये क्या कर रहा है तू? कीप गोइंग एक्चुअली, मुझे क्या, ठीक है? एंड वेल मेरे को अभी अभी रिमेम्बर हुआ कि ये वाली चाबी अपन उठाई नहीं थी, ये अभी अभी याद ही आया था एक्चुअली मेरे को, ठीक है? एंड साली दाएं बाएं मत खेला, गर्दन में मोच आ जाएगी तेरे, यार बाहर में जा मुझे क्या। हियर इट इज, ये ले खोल दिया दरवाजा एंड नीचे है। ओ
मैं भूल गया था ये डेमो पर्सन है, इतना ही होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे।